हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आगे में कौर न्यू ब्लॉग के साथ वापस। तो आज के इस ब्लॉग में हम भाई बाय करने जा रहे हैं एक न्यू फोन जो है ROG 3। मेरे एक दोस्त ने भाई लिया है मेरे लिए क्योंकि उसकी मोबाइल की शॉप है और उसको पता है कि मैं इसे गेमिंग करता हूँ और गेमिंग भाई मैं 4GB रैम वाले फोन में करता हूँ। एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सब कुछ 4GB रैम वाले फोन में करता हूँ और हमने 4GB रैम वाले फोन से ही भाई 100K सब्सक्राइबर हिट कर दिए भाई। अभी जाके मैं फोन लेने वाला हूँ, तो अभी हम उसके शॉप पे जाने वाले हैं भाई फोन बाय करने। और भाई मैं इंस्टॉलमेंट में उसको पैसे दूंगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं आए। और वो बोल रहा था अगर सबसे बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए तो भाई आईफोन ले ले, लेकिन आईफोन तो भाई कुछ ज्यादा ओवर हो जाएगा, इस वजह से मैं ROG 3 ले रहा हूँ। वो 45K का पड़ जाएगा, लेकिन उसको मैं कंप्लीटली पूरे पैसे अभी नहीं दे रहा, मैं धीरे धीरे करके दूंगा। यूट्यूब पेमेंट से अभी आने लगी है, आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यूट्यूब से पेमेंट आने लगी है मेरे को और भाई मैं धीरे धीरे करके उसको पैसे दूंगा। तो चलो अभी उसकी शॉप पे चल लेते हैं यार हम। तो चलो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं भाई हमारे भाई की शॉप पे। कर बंद भाई मोटरसाइकिल, चलते हैं अभी और फटाफट दिखा रही हूँ। तो ये रही भाई सामने शॉप और हम जहाँ पे जाने वाले हैं, देखते हैं वो वहाँ पे है या नहीं अभी। और हमारा जो शेंटी भाई है, आई एम शेंटी, वो पहले ही पहुँच रखे हैं यहाँ पे फोन लेने के लिए। और वो रहा वो बंदा। तो चलो गाइस, अभी हम हमारा फोन ले लेते हैं। तो भाई फोन दिखाऊंगा। और भाई इनको मैं ऐसे जानता हूँ कि 1.5 साल पहले हमने भाई एक साथ चैनल स्टार्ट किया था और इनका भी यूट्यूब पे चैनल है, लेकिन इनके अभी तक बन के नहीं हुए और मेरा काफी ज्यादा ग्रो हो गया, पता नहीं कैसे भाई, लेकिन हो गया। और इन्होंने भाई अभी देख रखा था कि मेरा चैनल इतना ज्यादा ग्रो होगा, मैं छोटे फोन में ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो इन्होंने मेरे को ये फोन दिया है। इनको अभी तक 1 रुपया नहीं दिया भाई मैंने, अभी मैं यूट्यूब पेमेंट से कटवाऊंगा। तो चलो गाइस, अभी हम अनबॉक्स कर लेते हैं अपने फोन को। और इन्होंने भाई मंगवाया है ROG 3। इनको पता है, इनकी शॉप है भाई, दुकान में इतनी बड़ी दुकान रख रखी है, इनको सब पता है भी गेमिंग का कौन सा बेस्ट फोन है सबसे ज्यादा। तो इनको लगा था भाई ROG 3, वैसे 5 भी आ चुका है लेकिन इन्होंने 3 मंगवाया क्योंकि बैटरी बैकअप में ये 5 से भी बेस्ट है। और इनको भाई मैं अभी तो कोई पैसा नहीं देने वाला क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। इन्होंने भाई बोला मेरे को जस्ट भी तू अपनी यूट्यूब पेमेंट से मेरे तो देते रहना, ये मेरे दोस्त हैं। और इनका भाई और पंजाबी वेब सीरीज पे चैनल है, मतलब मुझे पंजाबी वेब सीरीज बनाते हैं। जो जो पंजाबी हमारे भाई चैनल पे हैं, इनके चैनल पे जरूर जाना यार, लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना जाके। और भाई के बन के करवा दो जल्दी से जल्दी। और वाइट टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ भाई इनका, 1.5 साल हो चुका है मेरा, 1 साल 1 महीना ही हुआ है जस्ट। मैं इनको 2-3 महीने बाद से ही स्टार्ट किया था चैनल, मतलब मेरा ज्यादा जल्दी ग्रो हो गया। ये अभी तक वीडियो बना रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी तक ग्रो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप पंजाबी हो तो चैनल पे जरूर जाना यार, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो गाइस, अभी फोन के डब्बे में मेरे को क्या क्या मिला मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमको जरूरी चाहिए भाई, सबसे मेन चीज। उसके बाद भाई ये 30W का चार्जर, और इसके भाई दोनों साइड टाइप सी है यार, मतलब ये जो डाटा केबल मिली है ना, इस साइड भी टाइप सी है और इस साइड भी, ये 30W का चार्जर है। और इसके बाद भाई इसके ईयरफोन जैक नहीं है, मतलब दोनों साइड कहीं पे भी ईयरफोन जैक नहीं है, इस वजह से इन्होंने ये दिया इसके साथ, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको मेरे को पता नहीं है, USB कनेक्टर बोल सकते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन ये दिया इन्होंने। और बस ये 3-4 चीज़ें हैं और बाकी फ़ोन भाई डब्बा खाली पड़ा है और कुछ नहीं है, बस ये 3 चीज़ें ही मिली हैं मेरे को 45K में, ओनली 45,000 में भाई। और अभी तक हमने ये पेमेंट नहीं की है और यूट्यूब पेमेंट से ही करेंगे जब आने लग जाएगी थोड़ी बहुत। और मेरे को लग रहा है भाई 6 या 7 महीने लग जाएंगे शायद से। तो चलो गाइस, ये जो लास्ट की क्लिप है ना भाई, ये हम ROG 3 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखना भाई कितना फर्क है दोनों फोनों में। पहले मैं Redmi Note 8 में कर रहा था। और भाई मैं आपको बस लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि इन भाई साहब के चैनल को जरूर चेक कर लेना जो पंजाबी है, ये पंजाबी वेब सीरीज बनाते हैं और पंजाबी कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, मतलब भाई आपको पसंद जरूर आएगी। इन्होंने अपनी इतनी ज्यादा हेल्प की है भाई, मेरी रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही थी, अभी रेगुलर आ जाएगी, तो हम हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी भाई थोड़ी सी हेल्प करें। और चलो यार, बस चैनल जरूर चेक कर लेना, लास्ट में जाते जाते इतना ही जरूर कहूँगा। और जहाँ पे मैं आपको लोगो भी दिखा देता हूँ, कहीं पे ये लोगो है। और भाई इनके चैनल का नाम मुसाफिर TV है, तो चेक जरूर कर लेना, ब्लॉग के नीचे सबसे पहले लिंक पड़ा होगा, तो चले जाना यार जरूर चैनल पे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो चलो गाइस, अभी मैं फ़ोन लेके अपने घर पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैंने जो जो चीज़ें मेरे को जरूरत थी, जो ऐप्स की जरूरत थी, वो मैंने डाउनलोड कर ली। सबसे पहले तो हमारी भाई फ्री फायर डाउनलोड हो चुकी है और वो बाकी की जो ऐप्स थी वो मैंने डाउनलोड कर ली। और भाई ये 8GB रैम का फ़ोन है, इसकी 6000 mAh बैटरी है और भाई इसमें एक देखो RGB लाइट, भाई क्या ही OP लगती है, जो कलर बदलती रहती है अपने हिसाब से, मतलब ठीक है यार, अच्छी लगती है यार इसको, लेकिन बैटरी ज़्यादा खाएगी इसलिए इसे हम ऑफ कर देंगे भाई, मैं ऑफ ही करके रखूँगा ज़्यादा टाइम क्योंकि हमें गेम खेलनी होती है और बैटरी की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए मैं इसे ऑफ ही रखूँगा। और भाई इसमें एक X मोड है
अगर उसे ऑन कर दो ना तो बोलते हैं कि गेम को हैंग होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। देखो ये रंग बदल देता है भाई, आयरन मैन की तरह, मतलब ये सूट पहन लेता है एक तरह से, इतना खतरनाक चल जाता है। मतलब इसका प्रोसेसर पूरा जोर लगा देता है एक्स मोड में, लेकिन थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा खाएगा, लेकिन कोई नहीं भाई, फ़ोन हैंग नहीं होगा, मतलब बिल्कुल नहीं, गेम की हैंग होने का सवाल पैदा ही नहीं होता, इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये एक्स मोड ऑन करते ही। और भाई जो मेरा पहले का फ़ोन था जिससे 100K की है, उसकी भाई 4GB रैम थी और उसकी 4000mAh बैटरी थी, और आज तक भाई वो चल रहा है, मैं चला सकता था, लेकिन उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। और इसकी भाई 8GB रैम है, और भाई इसकी भाई 128 स्टोरेज है, उसकी 64 थी भाई, उसमें स्टोरेज करने की भी दिक्कत थी, और इसकी भाई 6000mAh बैटरी है, और ऊपर से भाई 30W का चार्जर है, भाई एक घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और भाई पूरा का पूरा दिन चल जाता है। लेकिन नोट 8 भाई थोड़ा सा बैटरी में भी कम पड़ रहा था, और रैम में भी कम पड़ रहा था, सब कुछ में मतलब थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए भाई मेरे को ये लेना पड़ा। अभी 100K हो चुके हैं, अभी 1 मिलियन टच करेंगे भाई इस फ़ोन से ही, हम PC वगैरह कुछ नहीं ले रहे भाई, फ़ोन से ही सब कुछ करेंगे। और भाई इसमें गेम बहुत ज़्यादा जल्दी ओपन हो जाती है, उसमें तो भाई मैं कम से कम 20-22 सेकंड भाई वेट करता था, लेकिन इसमें तो भाई ओपन होने में भाई बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता, मतलब इतनी जल्दी ओपन कर देता है ये, देखो भाई आ भी गई गेम यार, इतनी जल्दी ओपन कर देता है ये भाई, मतलब क्या बोले, बहुत फास्ट है। तो चलो गाइस बस ये था हमारा आज का भाई ब्लॉग, और हमने ये फ़ोन लिया है, और भाई इसमें अभी वीडियोस रेगुलर रखने की ट्राई करूँगा इससे बनाने के लिए। और चलो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।